गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक नंबर बी यानी सूर्य राशि का जो लेसन है इसमें बड़े बड़े लेसन होते हैं सब क्लासों में भी जब पढ़ते हैं या पढ़ाएंगे तब भी तीन चार दिन में खत्म कर पाते थे बहुत जल्द जल्द पढ़ाते थे। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई में एक एक पैर पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो समझ में कम आएगा आप भूलेंगे, इसलिए इसको कटस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद जब लेसन समाप्त होगा तब फिर क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सबको लिखना होगा क्योंकि अब वही आता है। ये केवल आपके ज्ञान के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, ताकि लेसन पढ़ा देता हूँ आप लेसन का तात्पर्य समझ जाए। अगर न भी पढ़े तो फिर कोई विशेष बात नहीं लिख रही है, पढ़ने लिए जरूरी है। कभी कोई आपको पढ़ना है, कोई क्वेश्चन देखना है, कोई बात समझनी है तो अगर समझ में आ जाएगी तो इससे आप निकाल लेंगे हाथ, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो जरूरी नहीं कि पैरा नहीं हो, इससे भी पूछते हैं, इसलिए जानकारी देना जरूरी है। देखिए बेटा ध्यान से, ये वो एक प्रकरण है आगे बढ़ गया है। कहा दिक्कत परदेशी की बात, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस परदेशी की बात क्या करते हो, वो तो परदेशी है। भगवान श्री कृष्ण में कह रहे हैं वो तो परदेश चला गया है, उसके उसकी बात क्यों कर रहे हो, क्या करते हो उसकी बात से। मंदिर अर्ध अवधि मधि हमसो हरि आहार चले जा। देखिए बेटा समझ लीजिए, आपकी पूरी बुक में इस लेसन में सबसे कठिन पैराग्राफ है, जिसको ये आ गया समझ लो उसको सब कुछ आ गया, क्योंकि इसमें मीनिंग बहुत कठिन है। उस कह कुछ ना अर्थ कुछ है, बहुत कह कुछ समझ रहे हैं, उसका भाव कुछ हो रहा है, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जरा सा दिमाग हट गया तो नहीं आपको आएगा। देखिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो आप इस संदेश को मंदिर अर्ध अवधि पति हमसो हरि आहार चल जाओ। आप मिनट रह लो, एक एक मिनट। मंदिर माने घर, अर्ध माने आधार, अवधि माने समय, पति माने वार्ता करना, हमसो माने हमसे, हरि माने यहां उसे, हरि का मतलब विष्णु से, लेकिन यहां पर हरि का मतलब होता है सिंह, सिंह से हरि आहार भोजन चल जा। आप किसका भाव देखिए, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम उस परदेशी के विषय की चर्चा क्यों कर रहे हो, वो तो परदेश चला गया और उसे कह गया था कि मंदिर माने घर माने आधा, यानी आधा घर, सीमा घर माने पक्ष, आधा घर यानी पक्ष या पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 तत्व कहते हैं, एक पक्ष भी कहते हैं क्योंकि पक्ष दो होते हैं हर महीने में, एक पक्ष 15 दिन का होता है जो कहते हैं कृष्ण पक्ष, एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष। पहचानोगे कैसे ये, चूंकि हला आपके समझ के लिए मैं जनरल बता दे रहा हूं, जिसमें चंद्रमा निकलता है प्रकाशित होता है वो उसको कहते हैं पक्ष शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष उसको कहते हैं जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, अंधेरा रहता है, ये कृष्ण पक्ष हो गया, उजाला होगा शुक्ल पक्ष हो गया। तो कहीं कह रही आधे घर का मतलब पक्ष, और पक्ष का मतलब पखवाड़ा, पखवाड़े का मतलब 15 दिन, यानी आधा महीना, ध्यान समझना बिल्कुल सटीक, कि वो हमसे एक पखवाड़े के लिए यानी 15 दिन के लिए कह गया था, सीमा समय दे गया था, पति हमसे वादा कर गया था, हमसे कहते हो हमसे 15 दिन बाद वापस आने का समय दिया और हमसे वादा कर गया था
आहार चर्चा हरि आहार माने सिंह का भोजन क्या होता है मांस जिसे को कहें क्या समझ रहे हैं मांस ध्यान रखिए वो मांस में ऊपर बिंदी लग जाएगी और मांस में कोई बिंदी नहीं लगेगी तो मांस माने भोजन तो करते हैं पशु और मांस माने महीना तो कह रहे हैं हरि आहार यानी सिंह का भोजन होता है मांस जिसे गोपिकाएं मांस समझ रही हैं कहते हैं एक महीना पूरा हो गया और अभी तक वापस नहीं आया सच वर्ष सच माने चंद्रमा विक्र माने सत वर्ष माने वर्षों सूर्य सूर्य माने सूरज रिप माने सत युग माने युग वर हर माने संकट माने शत्रु संकट का शत्रु घात लगाना यानी किसी की ओर ताकना या उसकी ओर प्रहार करना घात लगाना अब देखो बेटा कहते शशि यानी चंद्रमा का शत्रु कौन होता है दिन और बस ध्यान देना कहते चंद्रमा का शत्रु दिन कहते वर्षों के समान मुझे प्रतीत हो रहा है सूर्य सूर्य का शत्रु रात और कहती है रात हमें युगों तक की लग रही है एक रात युगों तक की रात लग रही है हर दिन शंकर जी का शत्रु कामदेव और कामदेव आपकी अनुपस्थिति में घात लगाए बैठा है या मैं कामातुर हो रही हूं ये भी कह सकते हो या मग पंचक मग पंचक ले गयो सावरो ताते अति अनुराग मग माने मघा जानते हो हिंदी शब्दों में है इसीलिए मैं एक एक आपको बता रहा हूं आप समझ जाइए मग मघा मघा क्या है नक्षत्र नक्षत्र कितने होते हैं 27 27 नक्षत्र में प्रसारित करते हैं तो पंचक माने पांचवा नक्षत्र माने मघा का पांचवा नक्षत्र कौन होता है चित्रा चित्रा नक्षत्र तो चित्रा को गोपिकाएं क्या समझ रहे हैं चित्त कि मेरे चित्त माने हृदय कि जो मेरा चित्त था मेरा हृदय था ले गयो सावरो सांवला अपने साथ ले गया यानी भगवान को अपने साथ ले गए ताते अति बुला इसी कारण तो मैं व्याकुल हो रही हूं परेशान हो रही हूं नखद वेद ग्रह जोर ठीक जोर इधर उठिए नखद माने नक्षत्र तारे कितने होते हैं 27 नक्षत्र माने जाते हैं वेद चार ग्रह नौ चौड़िए कितने होते हैं यानी 27 नक्षत्र चार वेद नौ ग्रह यानी 27 चार और नौ जोड़ मान जोड़ो तो कितना हो गए 40 40 में आधा करिए इनका आधा करी आधा 40 का आधा 20 सोई बंदर खा तो गोपिका क्या 20 को सुनकर समझ रहे हैं 20 कभी लगता है 20 खा लूं और अपने प्राणों का परित्याग कर दूं सूरदास बस भाई विनय के कर लीजिए पछता सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कह रही हैं कि मैं विनय के बस में हो गई हूं विनय के बस में होकर जो कष्ट मिलता है कहती वो वही जान सकता है जो उसको भोगता और कह रहे मैं इसे भोग रही हूं विनय ने अपने बस में कर लिया हमें हम बेबस हो गए हैं अब कोई चारा भी नहीं कर मीजे प्रस्ताव कर आने हाथ भी जोड़े कृष्णा अब गोपिकाएं अपने हाथों को आपस में मिसती हुई
और पश्चाताप कर रही है, पछता रही है, ये आकर